मेरा नाम आर के श्रीवास्तव और आप देखें टारगेट इलेक्ट्रीशियन। कंप्यूटर के सीरीज है उसमें आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था। आंसर होगा बड़ा आकार। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं। आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट IC। अगला क्वेश्चन है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार ए तथा सी। ए है डिजिटल और सी है दोस्तों माइक्रो। अगला क्वेश्चन है, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। आंसर होगा 80386। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है। आंसर होगा बी माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्नलिखित के बचाव में सहायता मिलती है। आंसर होगा डी डाटा के लॉस होने से। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है। आंसर होगा ए जस्टिफाइड। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड। आंसर होगा डी किसी भी रंग का हो सकता है जिससे आप चुने। अगला क्वेश्चन है, डोमेन नाम के अंतिम तीन अक्षर किसके किसके प्रकार का वर्णन करते हैं। आंसर होगा संगठन। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर होगा डी स्प्रेडशीट। अगला है, रेडियो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। आंसर होगा इसका 1500 मेगाहर्ट्ज से कम की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से टैली के अलावा किस सॉफ्टवेयर की मदद से अकाउंटिंग किया जाता है। आंसर होगा विजी पैक। अगला क्वेश्चन है, कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किस लिए किया। आंसर होगा गुप्त संकेत पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिनी मॉनिटर के स्क्रीन की चमक खत्म करने के लिए एंटी ग्लेयर कोडिंग के रूप में किस चीज का लेप चढ़ाया जाता है। आंसर होगा मैग्नीशियम फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, वह विशेष कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई गई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर को प्रेषित करता है उसे क्या कहते हैं। आंसर होगा की कोड। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर गोल पहिए के द्वारा छपते हैं। आंसर होगा व्हील प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। आंसर होगा CRT। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य है। आंसर होगा डी प्रोग्राम को डिकोड करना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। आंसर होगा व्हाइट नॉइस। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आंसर होगा इसका दोस्तों सी लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता पर सेकंड होती है। आंसर होगा ए 1,00,000 संक्रियाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों कम से कम टाइम में मैं अधिक से अधिक मैटर कवर कर रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस दोस्तों को प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।